क्या फोन पे पर यू पी आई आई डी बनाना चाहते है वो भी मन पसंद जैसा चाहे वैसा तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की आप आसानी से फोन पे पर यू पी आई आई डी कैसे बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो सो इस वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले आपको अपने फोन में फोन पे ऐप को ओपन करना है चलिए मैं ओपन करता हूँ आपको भी ओपन करना है इसके बाद आप यहाँ पे में लॉक लगाए होंगे तो आप अनलॉक कर लेंगे अनलॉक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे ऊपर में होगा आपका यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो आप यहाँ प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करेंगे जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके समय आपको यहाँ दिख रहा होगा रिसिव मनी में यहाँ दिख रहा होगा यू पी आपको यहाँ दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर बना कर देता है फोन पे जब आप फोन पे इस्तेमाल करोगे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना उसी टाइम ये पे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन नंबर से यू पी आई बना कर दे देगा यानी यू पी आई आई डी बना कर दे देगा आपको यहाँ क्लिक कर देना है नया बनाने के लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे क्यू आर कोड वगैरह आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा यू पी आई आई डीज एंड नंबर्स आपको यहाँ मैनेज पर क्लिक करना है जब आप मैनेज पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे आपको यहाँ दिखा दिए जो आते हैं आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ यू पी अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ क्या करेंगे नया बनाना चाहते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा एट द रेट ए एक्स एल और साथ ही दिख रहा होगा एट द रेट आई बी एल और वाई बी एल है जो भी आप यहाँ लेना चाहते हैं ऐट द रेट वाई बी एल या कोई भी लेना चाहते हैं इनमें से आप यहाँ क्या करेंगे प्लस आइकन आपको दिख रहा होगा आप यहाँ क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ एट दी रेट ए एक्स एल पर प्लस पर क्लिक करना है आपको भी क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा नज़र आ रहा होगा न्यू एट दी रेट ए एक्स एल यू पी आई आई डी पावर्ड बाई एक्सिस बैंक आपको दिख रहा होगा बनाना है तो आपको यहाँ एंटर करना है आप अपने नाम से भी बना सकते हैं या नंबर से भी बना सकते हैं आप यहाँ एंटर करेंगे चलिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ आपको भी एंटर करना है जब आप यहाँ एंटर करेंगे आपको यहाँ पर दिखा दिया जाए यहाँ पर रेड कलर में नोट अवेलेबल तो आपको यहाँ कुछ नंबर्स को भी एंटर कर लेने हैं अन्यथा आप यहाँ पर नाम को भी एंटर करेंगे तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा इस तरह से अवेलेबल होगा तो इस तरह से आ जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा हुआ नहीं है तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है बादशाह की स्टोरी हमारा यूपीआई आई डी होगा फोन पे में जो कि यहाँ दिख रहा होगा अवेलेबल यहाँ ग्रीन में दिख रहा होगा यानी कि जो है उपलब्ध है आप इसे आप अपना यू पी आई आई डी बना सकते हैं बनाने के लिए आपको यहाँ पर टच कर देना है बीच में कहीं पर भी जब आप टच करते हैं ना तो आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे में क्रिएट का ऑप्शन होगा आपको यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वैलिडेट मोबाइल नंबर जो आपका यहाँ है ना बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट में ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है ना उसी को आप यहाँ सेलेक्शन करेंगे जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा दो सिम है वन और टू यहाँ दिख रहा होगा वी और यहाँ जियो है जो भी आपका है आप अपने हिसाब से देख लेंगे मैं वी पर क्लिक करने पर यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ इसके बाद यहाँ दिख रहा होगा एस एम एस सेंड होगा इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर एस एम एस फैच कर लिए जाएंगे यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से हो जाएंगे आपको यहाँ दिख रहा होगा क्रिएटिंग हो रहा है हमारा यू पी आई आई डी इस तरह आप आसानी से अपना यू पी आई आई डी बना सकते हैं फोन पे में जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारा बन चुका है इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दीजिए इजाज़ थैंक यू सो मच